ऑपनिंग इज बी मीटर पर सेकेंड द वैल्यू ऑफ वी द टू द नियरेस्ट इंटीजर इज टेक वैल्यू ऑफ जी टू बी टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सो यह हो जाएगा uh, कितना हाइट है इसकी फोर्टी तो से वाटर लेवल की तो फोर्टी सेंटीमीटर तो यहाँ से यहाँ तक का जो तो वैल्यू है कितना फोर्टी सेंटीमीटर ठीक है वाटर यहाँ से आ रहा है ए पॉइंट हो गया ठीक है तो इस पर नीचे की तरफ क्या है इस ब्लॉक पे जो भी ले रखा है यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया है ना तो ये नीचे इस पर लगेगा एम और यहाँ से वाटर जो है इसके अंदर ये लगाएगा इसके ऊपर एक प्रेशर है ना इस तरह से एक प्रेशर अप्लाई करेगा कितना दिस इज पी और एटमोसफेयर फेरिक प्रेशर इस पर लगेगा दिस इज पी नॉट पी नॉट इज एटमोसफेरिक प्रेशर और एरिया कितना है एज दिस मिनट एरिया जीरो पॉइंट फोर मीटर स्क्वायर तो जीरो तो पे फोर्स निकालिए तो फोर्स निकाल तो क्या होगा बच्चों दिस इज इस पर नीचे क्या लग रहा Mg, है एम जी है ना एम जी प्लस एम जी प्लस पी नॉट ए तो ये कितना इतने एरिया पे लग रहा है ए एरिया मान लेते हैं इसका अब ये तो है लेकिन ये एरिया मान लेते हैं दिस इज p नॉट a ठीक है इज इक्वल टू हो जाएगा p नॉट a इज इक्वल टू दिस इज pa ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास p की वैल्यू क्या जाएगी p इज इक्वल टू जाएगा a नीचे लाओ तो जैसे दिस इज mg a p नॉट ठीक है a से a कैंसिल आउट हो जाएगा अब यहाँ पे वैल्यू रख दो यहाँ पे तो p इज इक्वल टू जाएगा कितना

ये मैं रख देता हूँ यहाँ पे एरिया तो क्या जैसे ए वी वन इज टू और वी वन वी वन कहाँ पे इस पॉइंट पे वेलोसिटी से है वी वन है ना और इस वाले पॉइंट पे दूसरे वाले पॉइंट पे तो ये हो जाएगा जैसे ए और ये वी ठीक है तो वी वन की वैल्यू क्या जाएगी वी वन की वैल्यू ए वी अपॉन दिस इज ए वी अपॉन ए ठीक है ए वी अपॉन ए अब आपको बताइए कैपिटल ए ये वाला जो एरिया है ना कैपिटल ए ये वाला एरिया ज्यादा है ठीक है अब ये वाला एरिया बच्चों क्या है ज़्यादा है तो कैपिटल हीर कैपिटल ए ग्रेटर देन ग्रेटर स्मॉल है है ना इसका एरिया तो छोटा ही है ये स्मॉल ए एरिया है और ये पूरा ये ए है तो स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए क्या होगा इसे हम वेरी स्मॉल एज्यूम कर लेंगे दिस इज वेरी स्मॉल ठीक है तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास तो जब ये स्मॉल ए अपन कैपिटल ए बहुत ही छोटा है तो मैं बोल सकता हूँ कि वी वन लेस देन लेस देन लेस देन वी से तो इस जगह पे वेलोसिटी कितनी है वी है ना इस जगह वेलोसिटी वी है ठीक है सो वी कैन नेगलेक्ट वी वन तो वी वन को हम नेगलेक्ट uh, कर सकते हैं ना तो वी वन इज इक्वल्स टू क्या जगह जीरो तो अब ए और बी पॉइंट वो बर्नौली थ्योरम लगाओ तो अप्लाई अप्लाई बर्नोलीज इक्वेशन एट ए एंड बी पॉइंट ए एंड बी पॉइंट तो ए पॉइंट ये रहा बी पॉइंट ये रहा दोनों लगाओ तो हो जाएगा पी नॉट प्लस ये हो जाएगा आप यहाँ पे बर्नोली थ्योरम लगाता हूँ मैं ठीक है हो जाएगा पी नॉट प्लस एम अपॉन ए प्लस रो वी वन स्क्वायर बाय टू है ना ए पॉइंट पे लगा रहे हैं प्लस रो जी एच रो जी एच इज इक्वल टू अब नीचे वाले पॉइंट पे P नॉट प्लस जैसे रो v स्क्वेयर बाय रो वी स्क्वेयर ये हो जाएगा और ये प्लस का zero क्योंकि हाइट जीरो है यहाँ पे है ना तो इस तरीके से तो ये हो जाएगा कितना हमारे पास ये हो जाएगा P not प्लस mg जी बाय a प्लस जीरो प्लस रो जी एच इजिकल टू हो जाएगा P zero प्लस रो v square बाय two ठीक है तो यहाँ से करो एम जी बायस रो जी एच जीगस टू बच्चो क्या होगा ये जगह रो वी स्क् तो बस वैल्यू रख दो ट्वेंटी फोर इन टू टेन डिवाइड बाई जीरो ट्वेंटी फोर क्या है ट्वेंटी फोर मास है है ना जी और ये ए कितना एरिया जीरो पॉइंट फोर प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर जिस इज रो वाटर का वन थाउजेंड टेन और कितनी हाइट पे है जीरो पॉइंट फोर है ना 40 सेंटीमीटर तो 0.4 सेंटीमीटर 0.4 इज इक्वल्स टू कितना जाएगा दिस इज 1000 v2 2 1000 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 है ना तो बच्चों इसको कैलकुलेट करूंगा ना यहाँ से तो कैलकुलेट करने पर मेरे पास वैल्यू आएगी एप्रोक्सीमेट जो वेलोसिटी uh, आएगी 3 मीटर पर सेकंड इज ओवर आंसर ओके बेस्ट ऑफ